हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं। आप दो से ज़्यादा व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, 10 व्हाट्सएप आप मैक्सिमम चला सकते हैं एक मोबाइल में। अगर आप सीखना चाहते हैं दमदार ट्रिक तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करना फ्री है तो ज़रूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। एप्लीकेशन का नाम है ऐप क्लोनर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले आप इसे यूज करने का तरीका देख लीजिए। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में कुछ इस प्रकार का आइकन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करते रहना है। उसके बाद फिनिश पर आपको क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सभी एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। अब सिंपली यहाँ से आपको व्हाट्सएप सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सअप आ चुका है। सिंपली आपको व्हाट्सअप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं साइड में कुछ इस प्रकार का आइकन बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ओके कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो परसेंट दिखा रहा है, मैं आपको बता दूँ ये 100% तक जाएगा। जब तक 100% नहीं होता है आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली आपको इंस्टॉल ऐप पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर फिर से आपको इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में डबल व्हाट्सअप इंस्टॉल हो चुका है। ये मेरा सेकंड व्हाट्सअप है जो मैंने अभी ऐप क्लोनर की मदद से इंस्टॉल किया है। और मेरा पहला व्हाट्सअप यहाँ पर है जो कि मैंने पहले से ही जो कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है। तो अब मैं आपको बता दूं अगर आप दो व्हाट्सअप से ज़्यादा व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं एक साथ तो फिर से आप ऐप क्लोनर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ऐप क्लोनर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जिस तरीके से आपने पहली बार जो व्हाट्सअप का दूसरा ऐप इंस्टॉल किया था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको दोबारा से फिर से व्हाट्सएप पर क्लिक करके उसी तरीके से क्लोनिंग कर देना है। यहाँ से फिर से आपको इस पर इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। और फिर जैसे 100% कंप्लीट हो जाता है फिर ऐसे आपका जो तीसरा व्हाट्सएप है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरीके से आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन की मदद से कितने व्हाट्सएप इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला व्हाट्सएप है, ये दूसरा व्हाट्सएप, यहाँ पर तीसरा, चौथा, पाँचवा और उसके बाद 6, 7, 8 व्हाट्सएप आप देख सकते हैं। मैंने 10 व्हाट्सएप बोला था लेकिन मैंने 8 व्हाट्सएप आपको दिखा दिया है। मेरे फ़ोन में स्पेस कम है इसलिए मैंने 10 व्हाट्सएप नहीं इंस्टॉल किया है। आप इंस्टॉल कर सकते हैं 10-12 जितना व्हाट्सएप चाहें आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। और ठीक आप जिस तरीके से अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आपको मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करना है और उसके बाद यह व्हाट्सएप भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं उसका जो नाम होता है यानी टाइटल होता है उस पर आपको क्लिक करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ऐप लिंक करके लिखा हुआ है और ब्लू कलर में लिंक मैंने दी है। तो आपको सिंपली ब्लू कलर वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फ़ोन के सभी ब्राउजर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको क्रोम सेलेक्ट कर लेना है, आप कोई अदर ब्राउजर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके ब्राउजर में एक पेज ओपन होके आएगा। तो यहाँ पर आपको इस पेज पर 10 सेकंड का वेट कर लेना है। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ वेट, यहाँ पर सिंपली आपको 10 सेकंड का वेट करना है। जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है गेट लिंक। सिंपली आपको गेट लिंक पर क्लिक कर देना है। गेट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं डाउनलोड करने का आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से आप फिर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जो एप्लीकेशन है ऐप क्लोनर वो आपके फ़ोन में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही डाउनलोड हो जाती है आप सिंपली इसे इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप क्लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आएगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है सुझाव है तो उसका तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई सवाल है सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।